कप्तान लक्ष्मी सहगल सफल भारत की अब तक की सबसे सफल महिलाओं में से एक है। लक्ष्मी सहगल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज INA के लिए अपने हाथों में गन थामी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक शेरनी की भांति लड़ी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक पारंपरिक तमिल परिवार में हुआ और उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा ली। फिर वे सिंगापुर चली गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। वे बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से बहुत प्रभावित रही और जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो लक्ष्मी सहगल ने उसमें हिस्सा लिया। वे 1947 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। एक डॉक्टर की हैसियत से वे सिंगापुर गई थी लेकिन 98 वर्ष की उम्र में जब वे कानपुर के अपने घर में बीमारी का इलाज करती है। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में लक्ष्मी सहगल बहुत सक्रिय रही। बाद में उन्हें कर्नल का ओहदा दिया गया लेकिन लोगों ने कप्तान लक्ष्मी के रूप में याद रखा। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में वे अपने मेडिकल टीम के साथ पीड़ितों की सहायता के लिए भोपाल पहुंची। 1984 में सिख दंगों के समय कानपुर में शांति लाने का काम करने लगी और 1996 में बंगलोर के मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के खिलाफ अभियान करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। 92 वर्ष की उम्र में 2006 में भी वह कानपुर के अस्पताल में मरीजों की जांच कर रही थी। 2002 में चार पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ऑफ और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने सहगल का नाम नॉमिनेशन राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया। उस समय राष्ट्रपति पद के दावेदार APJ अब्दुल कलाम की वह एकमात्र विरोधी थी। शिक्षा 1938 में सहगल ने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और एक स्त्री रोग और प्रसूति में डिप्लोमा किया। स्वतंत्रता संग्राम में आंतरिक सहयोग सिंगापुर में उन्होंने न केवल भारत आए अप्रवासी मजदूरों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय खोला बल्कि भारत स्वतंत्रता संघ की सक्रिय सदस्य भी बनी। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया तब उन्होंने घायल युद्धबंदियों के लिए काफ़ी काम किया। उसी समय ब्रिटिश सेना के बहुत से भारतीय सैनिकों के मन में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने का विचार उठ खड़ा हुआ। नेताजी से मुलाकात विदेश में मजदूरों की हालत और उनके ऊपर हो रहे जुल्मों को देखकर उनका दिल भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ करेगी। लक्ष्मी के दिल में आज़ादी की अलख जग चुकी थी। इसी दौरान देश की आज़ादी का की मसाल लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1947 को सिंगापुर आए और उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी भी उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई। अतः उन्होंने करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद लक्ष्मी जी ने यह इच्छा जता दी कि वह उनके साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई में उतरना चाहती है। लक्ष्मी के भीतर आज़ादी का जज्बा देखने के बाद नेताजी ने उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मी रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी जिससे वह वीर नारियां शामिल हो गई और जो देश के लिए अपनी जान दे सकती थी। 22 अक्टूबर 1947 में डॉक्टर लक्ष्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन पद पर पद कार्य संभाला। अपने साहस और अद्भुत कार्य की बदौलत बाद में उन्हें कर्नल के पद मिला जो एशिया में किसी भी महिला को पहली बार मिला हुआ था। लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में याद रखा। गिरफ्तारी INA की वर्मा यात्रा का एक हिस्सा बनने के लिए मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने कप्तान लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक कैरियर पति की मौत के बाद कैप्टन लक्ष्मी कानपुर आकर रहने लगी। बाद में कैप्टन सहगल सक्रिय राजनीति में आई और 1971 में वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी MACPA कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM के सदस्यता ग्रहण की और वे राज्यसभा में पार्टी की प्रतिनिधित्व किया। वे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन पार्टी की संस्थापक सदस्यों में रही। बांग्लादेश विवाद के समय उन्होंने कलकत्ता में बांग्लादेश से भारत आ रहे शरणार्थियों के लिए बचाव कैंप और मेडिकल कैंप भी खोल रखे थे। 1981 में स्थापित ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन में वह संस्थापक सदस्यता रही और उसकी बहुत सी गतिविधियां और अभियान में उन्होंने नेतृत्व भी किया। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में वे अपने मेडिकल टीम के साथ पीड़ितों की सहायता के लिए भोपाल पहुंची। 1984 में सिख दंगों के समय कानपुर में शांति लाने का काम करने लगी और 1996 में बेंगलोर के मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन का हिस्सा खिलाफ अभियान करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष किया। वर्ष 2002 में 88 वर्ष की आयु में उनकी पार्टी वामदल के लोगों के दबाव में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मैदान में भी उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आई। एक लंबे राजनीतिक जीवन को जीने के बाद 1997 में वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उनके करीबी बताते हैं कि शरीर से कमज़ोर होने के कारण भी कैप्टन लक्ष्मी हमेशा लोगों की भलाई के लिए बारे में सोचती थी और मरीजों की को देखने का प्रयास करती थी। संघर्ष आज़ादी फौज की हार के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने स्वतंत्रता सैनिकों की धरपकड़ और 4 मार्च 1996 को वे पकड़ी गई, पर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। लक्ष्मी सहगल ने 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से विवाह किया और कानपुर आकर बस गई, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ और वे वंचितों की सेवा में लग गई। वे भारत विभाजन को कभी स्वीकार नहीं कर पाई और अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का हमेशा विरोध करती रही। गतिविधियां और उपलब्धि, उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1984 में सिख दंगों के बाद शांति बहाल करने के लिए काफ़ी काम किया। बेंगलोर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के खिलाफ अभियान में लक्ष्मी सहगल को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2002 में 4 वामपंथी पार्टियां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में चुनी गई थी। निजी जिंदगी, सहगल ने 1947 में लाहौर में प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली थी। उनकी शादी के बाद वे कानपुर में बस गए, जहां लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज का अभ्यास करने लगी और बंटवारे के बारे में भारत आने वाले शरणार्थियों की सहायता भी करती थी। उनकी 2 बेटियां हैं, सुभाषिनी अली और अनीशा पुरी। मृत्यु, 19 जुलाई 2012 को कोडिया अटैक आया और 23 जुलाई 2012 को सुबह 11:20 पर 97 साल की उम्र में कानपुर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को कानपुर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल रिसर्च के लिए दान दे दिया गया। उनकी याद में कानपुर में कप्तान लक्ष्मी सहगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। लक्ष्मी सहगल के अवार्ड, 1998 में सहगल को भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया।